बिहार में एक कुख्यात को उसकी माशूका से मिलना इस कदर महंगा पड़ा कि होटल के बेडरूम से सीधे वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। मामला गया जिले से जुड़ा है। बोध गया में कोलकाता की लड़कियों संग रंगरेलिया मनाते कुख्यात अपराधी चिंटू पांडे उर्फ चिंटू बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस कुख्यात चिंटू की गिरफ्तारी की गई है उसके खिलाफ अकेले गया के मुफस्सिल थाने में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। गया में 15 जनवरी को दिन दहाड़े युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में चिंटू की भी तलाश थी। जानकारी के मुताबिक चिंटू बोधगया थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में अपनी महबूबा के साथ मौज मस्ती करने पहुंचा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे रंगरेलिया मनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस दौरान कोलकाता के सोनागाछी से आई दो युवतियों को भी हिरासत में लिया है, जबकि गेस्ट हाउस के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य रूप से जो मामला है ये यहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई थी बोधगया थाना में, यहाँ पर महिमा गेस्ट हाउस है, वहाँ पर सूचना गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ कलकत्ता से कुछ वेश्यावृत्ति के लिए दो युवतियों को लाया गया है और वहाँ पर ये प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर वेश्यावृत्ति के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो सूचना क्रम में तुरंत SDPO बोधगया थाना प्रभारी बोधगया को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन मिले थे कि उक्त होटल में मुफस्सिल थाने का जो एक क्रिमिनल है चीकू पांडे वो भी वहाँ पर आया हुआ है एज ए कस्टमर, वहाँ पर वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। तो साथ में मुफस्सिल थाना और DSP वज़ीरगंज को संयुक्त रूप से वहाँ पर भेजा गया रेड के लिए। रेड के क्रम में हम लोग को वहाँ पर चीकू पांडे पाया गया, जो कि चीकू पांडे है वहाँ पर 15 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक प्रिंस कुमार की हत्या हुई थी। लाठी अपराध आपसी गैंगवार में उसकी मारपीट की करके कुछ बाकी क्रिमिनल्स के द्वारा काफ़ी पीट पीट कर हत्या कर दी गई बुरे तरीके से। तो ये उस केस में प्राइम एक्यूज था, तो ये उसमें ये भी अरेस्ट हुआ है। साथ में दो युवतियां जो कि कलकत्ता की जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी है वहाँ से यहाँ पर आकर ये ठहरी हुई थी इस होटल में, और ये भी पाया गया सत्यापन क्रम में और रेड के क्रम में कि जो होटल का जो मैनेजर है जिसका नाम है चंद्रशेखर बिराजी, ये बीरपुर सुपौल का रहने वाला है, ये बराबर बाहर से लड़कियों को लाता था, युवतियों को प्रलोभन देकर या फिर किसी तरह से इंड्यूस करके प्रलोभन देकर यहाँ पर लाता था और एवज में वेश्यावृत्ति कराता था और उसके कमीशन के रूप में खुद ही ये पैसा लेता था। उसी क्रम में इनको भी गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर बिराजी, और दो लड़कियाँ हैं जिनको रिमांड होम भेजेंगे। इसमें ये जो चीकू पांडे है, चीकू पांडे ने अपना जो 18-22 केस हुआ था मुफस्सिल में उसने अपना कन्फेस किया है, उस क्राइम में यह भी शामिल था, और इसके साथ में कुछ और क्रिमिनल्स थे उनकी जिनकी अभी तलाश जारी है, हम लोग कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में चीकू पांडे है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा खासा है, लंबा चौड़ा है। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 427-18 ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। फिर मुफस्सिल थाना में 234-18 ये भी मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स अटैक केस है। उसके बाद मुफस्सिल में 214-20 ये भी मारपीट चोरी का केस है। मुफस्सिल थाना में ही 165-21 ये भी मारपीट अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स अटैक केस है। मुफस्सिल थाना में 296-21 अटेम्प्ट टू मर्डर मारपीट का केस है और आर्म्स अटैक का केस है, साथ में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का केस भी है।